सोशल मीडिया स्टार और लॉकअप का हिस्सा रह चुकी अंजलि अरोड़ा ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंजलि अरोड़ा कुछ दिन पहले सैया दिल में आना रे सॉन्ग में नजर आई थी, जिसमें जहां उनके फैंस ने उन्हें खूब पसंद किया था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अंजलि अरोड़ा के सॉन्ग पर आपत्ति जताई थी। इसके साथ ही एक्ट्रेस का चंद दिनों पहले एक MMS वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी वजह से वो लोगों के निशाने पर आ गई थी। हाल ही में अंजलि अरोड़ा ने ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में बताया कि ऐसे लोगों की तरफ मैं ध्यान ही नहीं देती। दरअसल अंजलि अरोड़ा से इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन किया गया कि वो पर्सनली और प्रोफेशनल से जुड़े ट्रोल्स को कैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि कई बार एक्ट्रेस को दोनों ही झेलने पड़ते हैं। इस बात का जवाब देते हुए अंजलि अरोड़ा ने कहा, मैं उन नेगेटिव कमेंट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देती हूँ, मैं इसे एक रूटीन के तौर पर लेती हूँ। व्यूवर्स के नाते उनके पास वो बोलने का अधिकार है, वो जो भी महसूस करते हैं बोल सकते हैं। एक बार आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गए तो आपको इन चीज़ों के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। अंजलि अरोड़ा यही नहीं रुकी, उन्होंने इसके आगे कहा, उनके पास आपको पसंद करने और नापसंद करने का अधिकार है, और आपको इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना भी जरूरी है। ईमानदारी से कहूँ तो किसी को भी इस तरह के कमेंट्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। वेल, ये तो साफ हो गया है कि अंजलि अरोड़ा नेगेटिव साइड्स पे ध्यान नहीं देती हैं, बिकॉज ट्रोलर्स जब भी किसी के पीछे पड़ते हैं तो लगातार बैड कमेंट्स, बैड मीम्स वायरल होने लग जाते हैं। क्या कुछ कहना है आपका अंजलि अरोड़ा के इस स्टेटमेंट पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बट टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।